हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभकदम में। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो में एक स्विंग ट्रेड का रिव्यू करने वाले जो कि यहाँ पर हमने टीवीएस मोटर के स्टॉक में लिया था। ठीक है, जब भी ये मैंने स्विंग ट्रेड लिया था उस समय भी मैंने इस वाले स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था कि ये स्विंग ट्रेड यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस आपको समझाई थी। तो इस वाले वीडियो में मैंने इस वाले स्विंग ट्रेड में किस तरह से एंटर किया, कहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा, किस तरह से मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग और किस तरह से इस वाले ट्रेड को मैनेज किया, ये सारी बातें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमने टीवीएस मोटर में स्विंग ट्रेड लिया हुआ था। और आज अगर हम यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी, निफ्टी एटो, हमारा जो टीवीएस मोटर का शेयर है वो यहाँ पर निफ्टी एटो में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी एटो भी यहाँ पर डाउन था, बैंक निफ्टी डाउन था, निफ्टी 50 डाउन था, सभी मार्केट आज यहाँ पर डाउन थे। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर टीवीएस मोटर आज लगभग 4.17% से अप था। बाकी के भी आप यहाँ पर स्टॉक देख सकते हो कि निफ्टी एटो भी यहाँ पर डाउन साइड में ही थे। तो इस तरीके का हाई पोटेंशियल स्टॉक हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसमें एंटर एंड स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने आज इस वाले मतलब जो भी मैंने क्वांटिटी ली थी वो सारी यहाँ पर से निकाल दिए, बेच दिए। यहाँ पर मैंने एवरेज प्राइस 653.30 से यहाँ पर बेच दिए। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि इसकी एनालिसिस क्या थी और उसके बाद में मैं बताऊंगा कि किस तरह से एंट्री किया। ठीक है, तो सबसे पहले एनालिसिस समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, जहां पर मैंने एंट्री लिया वही की सारी कैंडल्स यहाँ पर से मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैंने रिप्ले कैंडल्स की मदद से ये सारे कैंडल्स निकाल दिए ताकि मैं आपको यहाँ पर कैंडल बाय कैंडल एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है ना, तो ये वाली जब ग्रीन कैंडल बनी थी तब मैंने यहाँ पर वीडियो पोस्ट किया था, वो वीडियो आप थोड़ा सा चैनल में जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर मैं आपको डिटेल एनालिसिस समझाता हूँ, यहाँ पर से मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहूंगा और मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे और किस डायरेक्शन में मार्केट जाने का ट्राई कर रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पर से हम जानेंगे। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर से रिट्रेसमेंट आया, तो इस वाले रिट्रेसमेंट को हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल के साथ में यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाऊंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.618 पर प्राइस सपोर्ट ले रही है और यहाँ पर से प्राइस ऊपर जा रही थी और इसने यहाँ पर एक पुल बैक लिया था। आपको क्लियर एंड क्लट यहाँ पर से समझ रहा है कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है, यहाँ पर हमें बाइंग के चांसेस ढूंढने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से ये यहाँ पर रफ कर देता हूं, मैं आपको यहाँ पर से वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर से पता चल गया है कि यहाँ पर हमें बाइंग के साइड में ट्रेड लेना है, जो भी स्विंग ट्रेड लेना है वो बाइंग के साइड में लेना है। ठीक है ना, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो लेवल यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, देन अगर इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस ने इसको रिटेस्ट किया और प्राइस फिर से इस वाले लेवल पे आ रही थी और ये लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, ये बेसिक थ्योरी है। ठीक है ना, पर सपोर्ट पर यहाँ पर 200 पीरियड की ईएमए भी थी और यही पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा रेड बियरिश मोरूबुजू कैंडल, उसके बाद में एक डोजी कैंडल और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, ये मिलाकर यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना रहे थे। और आपको पता होगा मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक सुपर बुलिश पैटर्न है और ये वीकली टाइम फ्रेम में बन रहा था, इसी वजह से मेरे पास यहाँ पर स्ट्रांग कंफर्मेशन था, ऐसा हम यहाँ पर से कह सकते हैं। और प्राइस ने इस वाले डाउन ट्रेंड को भी, डाउन ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक किया था, इस वजह से एक ट्रू ब्रेकआउट था। तो आपको यहाँ पर से पूरी एनालिसिस समझ गई होगी कि मंथली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर से पता चल रहा है यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम हमें यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना, अभी डेली टाइम फ्रेम में और एक कंफर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, जो कंफर्मेशन हमें ये प्रूव कर देगा कि यहाँ पर से बहुत ही अच्छी बाइंग के साइड में रैली आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर एक प्रीवियस लो था, ठीक है ना, और प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि डबल टॉप पैटर्न बना रहा था, ये फर्स्ट टॉप, ये सेकेंड टॉप, प्राइस ने क्या किया, अपने प्रीवियस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया, पर ये फेक ब्रेकआउट निकला। ठीक है ना, और जो जो लोग यहाँ पर ये ट्रू ब्रेकआउट है समझकर एंटर हो गए होंगे, वो सारे बियर्स यहाँ पर ट्रैप हो गए, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े होंगे। ठीक है ना, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ली होगी ये सोचकर कि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, प्रीवियस लो भी ब्रेक हो गया, इस वजह से चलो यहाँ पर से शॉर्ट की पोजीशन ले लेते, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर ऊपर पड़े होंगे और वो सारे बाइंग के ऑर्डर्स होंगे। ठीक है ना, इस वजह से जब भी यहाँ पर
प्राइस आएगा यहाँ पर से, प्राइस को बाइंग मोमेंटम मिलेगा उस स्टॉप लॉस की वजह से, तो ये और एक कंफर्मेशन यहाँ पर से ऐड हो जाता है। अभी बात आ जाती है आप यहाँ पर सिंपल सा देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी मैं कोई भी स्विंग ट्रेड में एंटर होता हूं तब मैं वैल्यू एरिया की मदद लेता हूं। अभी वैल्यू एरिया के ऊपर डिटेल वीडियो बना के रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, मंथली सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस या फिर स्ट्रैटेजी करके आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, यहाँ पर वैल्यू एरिया को भी ब्रेक कर दिया था, पर मैं यहाँ पर नहीं एंटर हूंगा, मुझे एक पुल बैक कैंडल चाहिए और यहाँ पर से मैं एंटर हूंगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ये मेरी प्लानिंग थी, वो मैंने उस वाले वीडियो में भी आपके साथ में शेयर किया हुआ था कि यहाँ पर मुझे एक पुल बैक देखना है। अभी मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल प्ले करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बियरिश कैंडल मिली, पुल बैक मिला, पर इस वाले बियरिश कैंडल पे तो हम एंटर नहीं हो सकते। मैंने और एक कैंडल का वेट किया तो यहाँ पर एक बुलिश डोजी कैंडल बनी, तभी यहाँ पर मुझे एंटर होना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी थी, मेरी एवरेज प्राइस थी एंट्री की 563, ठीक है ना, लगभग यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी थी। मेरा स्टॉप लॉस जस्ट नीचे था, हमारा जो मंथली बेसिस वाला वैल्यू एरिया है उसके जस्ट नीचे था, और मेरा फर्स्ट टारगेट था, आपको यहाँ पर बता देता हूँ ड्रॉ करके ये, एंड सेकेंड टारगेट था, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए ये वाला, एंड सेकेंड टारगेट था डायरेक्टली ये जो प्रीवियस हाई लगाया था मेजर हाई वो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने ट्रेड को प्लान किया था, पर जिस तरह से हमने ट्रेड यहाँ पर से मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल मिले तो ऊपर के साइड में कंटिन्यूएशन मिल सकता है, पर ऐसा नहीं होता। बहुत बार स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं उसका अपोजिट हो जाता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डीप पुल बैक मिला और उसके बाद में प्राइस ने कवर किया। तो आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखने की जो स्ट्रैटेजी है, मैंने आपको बताई थी कि हर बार हमारा वैल्यू एरिया के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो कितना अच्छे से यहाँ पर हमने प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस रखा था। प्राइस ने इसको जस्ट मतलब टच भी नहीं किया, हमारा जो मंथली वाला वैल्यू एरिया लो है यहाँ पर प्राइस ने टच किया और ऊपर बाउंस मार दिया, और उसके बाद में आप थोड़ा सा मैं आपको ये लिए यहाँ पर कैंडल स्प्रे कर देता हूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर से ऊपर रैली लगानी चालू कर दी। और जब भी यहाँ पर से ये गैप अप ओपनिंग हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वो क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से हुआ, और यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट किए थे और उसकी वजह से यहाँ पर अपसाइड में कंटिन्यूएशन मिला और यहाँ पर हमारा टारगेट भी हिट हो गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से सिंपल एंड प्लेन सेटअप था, यहाँ पर मैंने बहुत ही प्लेनली एंट्री ली, यहाँ पर मैंने एंट्री ली कोई भी मतलब फ्यूचर या फिर ऑप्शन में ट्रेड नहीं किया था, सिंपल मैंने कैश में ट्रेड किया था, और अभी सारी क्वांटिटी यहाँ पर मैंने बेच दी है, ठीक है ना। होप है कि आपको ये पूरा एनालिसिस समझ गया होगा, इसको मैंने किस तरह से अप्लाई किया, कहाँ पर एंट्री किया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर से पता चल गई होगी। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।